अच्छा लगा जानकर कि आप हमें इतना प्रेम करते हैं। परंतु बाजीराव, प्रेम एक बहती नदी के पानी की तरह होता है, कभी तेजी से बांध तोड़कर निकल जाता है तो कभी स्थिर रहकर धीरे धीरे बहता है, और आकाल में यानी विश्व परिस्थिति में भाप बन के उड़ जाता है। और आप कहते हैं कि आपके हृदय में हमारे सिवा कभी कोई आएगा ही नहीं। हमारी छोटी माँ ने हमें ऐसे कई किस्से सुनाए हैं जिसमें एक छोटी सी भी दुर्बल स्थिति आ जाए तो सारे वचन, मान, मर्यादा समय की आंधी में उड़ जाते हैं, और आपके पैरों में तो योद्धा के चक्के हैं, कभी इस नगरी तो कभी उस नगरी। और आप ठेरे बाली होता, आप पे तो कोई भी मोहित हो जाए। अब ऐसे में अगर आपको कोई कन्या पसंद आ जाए तो, जिसकी आंखें हमसे भी ज्यादा सुंदर हो और वाणी हमसे भी ज्यादा मधुर, तो आप तो उसका पल्लू पकड़ ही बैठ जाएंगे। क्यों? सही बोल रही हो ना? बताओ, बोलो बाजीराव। आपका चेहरा देखिए, कितना चकित हो गया है इस मामूली से प्रश्न से। डरो मत बाजीराव, कावेरी को आपके वचन पर कोई शक नहीं है। मैं जानती हूँ बाजीराव कहीं भी होंगे, कावेरी उनके हृदय में सदा रहेगी।